हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मेरे चैनल जिंदगी गुलजार है, मैं याकूब अली आपके सामने एक बार फिर से। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आप इंडिया में सबसे सस्ते होटल या इंडिया के बाहर सबसे सस्ते होटल या हॉस्टल कैसे बुक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि आप वर्ल्ड में किसी भी जगह पर किसी भी स्टेट में सबसे सस्ते स्टे कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने कम से कम बजट में। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सके। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सबसे सस्ते होटल या हॉस्टल बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में सबसे सस्ता होटल या हॉस्टल आप किस तरह से बुक कर सकते हैं जो कि आपके अंडर बजट हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना पड़ेगा booking.com। booking.com एक सर्चिंग वेब है जो वर्ल्ड में या इंडिया में किसी स्टेट या वर्ल्ड की किसी भी स्टेट या किसी भी जगह के लिए हॉस्टल और होटल वगैरह प्रोवाइड कराती है जो कि सबसे सस्ते होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना किस तरह से बजट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अगर आप देखना चाहेंगे तो इस ऐप के रिव्यू भी देख सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ वाले हैं जो जो इसको यूज़ करते हैं उनका क्या क्या रिएक्शन है इसके प्रति, या इस ऐप को यूज़ करने में उनको क्या क्या फैसिलिटी है, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में बहुत सारे ऐप हैं, आप उसको भी इस्तेमाल करके आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं, ये कोई पेड सर्विस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस आप अपने बजट को अपने तरीके से देखें, उसको एक्सपीरियंस करें। तो ये रिव्यू आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपना इस ऐप के थ्रू किस तरह का रिव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा आप ये मैंने पहले से ही अपलोड किया था अपने मोबाइल में या अपने हैंडसेट में और इसके बाद मैंने इसको अपडेट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें सबसे पहले आप करना क्या होगा, आपको इंटर योर डेस्टिनेशन सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। उसमें आपका डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, आप किस जगह जाना चाहते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जैसे मैंने मनाली डेस्टिनेशन अपना डाल दिया है। मनाली क्लिक करने के बाद मनाली में ऑप्शन आ जाएगा कौन से मनाली में। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आप किस डेट से किस डेट के लिए वहाँ स्टे करना चाहते हैं। जहाँ भी आपको जाना हो इंडिया में या इंडिया के बाहर, आप अपना डेट सेलेक्ट करेंगे कितने दिनों के लिए जाएंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप सोलो है या ग्रुप्स है। अगर आप सोलो हैं तो सोलो में अपना आप जो भी एडल्ट वगैरह जो भी अपना वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको ये लिस्ट दिखेगा आपको एक, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप कंपेयर करेंगे कि मनाली में सबसे सस्ता हॉस्टल कौन सा है। मैंने इसमें फ़िल्टर करके आपको दिखाऊंगा। अब इसमें 3-स्टार 4-स्टार होटल भी मिल सकता है। तो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में। हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट उसमें ये होगा कि आपके साथ 99% फॉरेनर रहेंगे। दूसरा, वहाँ आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो ट्रैवलिंग वर्ल्ड में कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं अपना बजट ट्रैवलिंग वगैरह। और दूसरा, और आपको नई नई बातें सीखना, लैंग्वेज सीखना और उनके कंट्री का कल्चर वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें आप फिल्टर में जाने के बाद देखेंगे आपको किस रेंज से किस रेंज तक आपको वो चाहिए हॉस्टल या होटल। और आपको इसमें जितने भी फ्रेंचाइजीज होटल या हॉस्टल वगैरह होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको रेटिंग दिखेगा और रिव्यूज़ भी दिखेगा। मील्स में जैसे ब्रेकफास्ट डिनर किस में इंक्लूडेड है किस में नहीं, ये सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको अगर चाहिए तो। तो प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे, तो प्रॉपर्टी टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शो मोर में क्लिक करेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप लोग हॉस्टल्स देखें अगर आप सोलो हो या ग्रुप में हो फिर भी, क्योंकि हॉस्टल का एक्सपीरियंस वर्ल्ड का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और अब मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ सिर्फ हॉस्टल बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉरेनर के साथ जो हमारे अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया में विज़िट करते हैं उनके साथ विज़िट करना या रुकना या बैठना, उनके साथ हैंग आउट करना
और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, आपको सबसे सस्ता जो 4 से 5 दिन आप स्टे कर रहे हैं आपके लिए कौन सा बजट में है। हॉस्टल कोई भी हो वो अपने आप में बेस्ट होता है, उसके रिव्यू आप पढ़ें, रिव्यू के हिसाब से उसे देखें, वो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो क्लिक करके आप जो भी हॉस्टल देख रहे हैं 2000, 1300, 1400, आपको जो भी अच्छा लगे 5 दिन के अंदर उसको आप क्लिक करके उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं। जिन जिन कंट्रीज से वहाँ पे उस हॉस्टल में विजिट किया आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप फिर पेमेंट इसमें आपको विजिट करके भी कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स किसी किसी में गारंटी के लिए क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ता है, किसी किसी में हॉस्टल में नहीं, तो आप ये आप उसमें आप सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।